फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट के लिए है, ये न्यू नोटिफिकेशन है। ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर्स का वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती। ओके, सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में विजिट कर रहे हो तो उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। और एक लाइक्स एंड कमेंट छोड़िएगा जो कि हम लोगों को वीडियो बनाने में इनकरेज होता है। ओके, चलते सब्जेक्ट में। रिक्वायरिंग टीचर्स एंड एडम स्टाफ ऑन एडॉक ऑब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये एडॉक एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है। पोस्ट फॉर टीचिंग स्टाफ ए पी जी टी एडॉक फिलोजॉफी फिजिकल एडुकेशन फीमेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड बी एड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क इन ईच, इसी हिसाब से। और टी जी टी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन ए फीमेल। एक ग्रेजुएशन एंड बीएड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क इन ईच, सी एस बी कोर कार्ड इज मैंडेटोरी। तो देखिएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई रिक्रूटमेंट होता है सी एस बी कार्ड मैंडेटरी होते हैं, तो वैलिड सी एस बी कार्ड आपको पास होना चाहिए। और टी जी टी से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसिलर ए ग्रेजुएट विथ फिजियोलॉजी विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसिलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज वेलनेस टीचर एंड काउंसिलर। और पी आर टी कॉन्ट्रेक्चुअल बच्चे पी टी। अच्छा, क्लैरिफिकेशन ऑन वैकेंसी ऑफ जोगा इज शॉर्ट फॉर्म हायर स्कूल अथॉरिटीज। अच्छा, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एडुकेशन और बी पी ई टी और डी पी ई टी विथ मिनिमम 50% मार्क इन ईच। और पी आर टी काउंसिलर, देखिएगा पी आर टी काउंसिलर के लिए ये स्पेशल एडुकेटर के लिए ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड जनरल विथ 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन। पीआरटी एडहॉक बेसिस में ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स, क्राफ्ट एंड कंप्यूटर साइंस। ग्रेजुएशन विथ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन डी ई डी और बी एड विद मिनिमम 50% मार्क इज। अच्छा, देखिए पोस्ट ऑफ एडम स्टाफ। एडम स्टाफ के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रेक्चुअल बच्चे, मिनिमम क्वालिफिकेशन इनका चाहिए बी लाइब्रेरियन बेसिक लाइब्रेरियन साइंस और ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर रिलेटेड विथ मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। अच्छा, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल मिनिमम 10+2 विथ 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पर्सन प्रिफरल एंड नेटवर्किंग। और पैरामेडिक काउंसिल कॉन्ट्रेक्चुअल है 10+2 एंड डिप्लोमा इन द नर्सिंग विथ मिनिमम 0.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ए फीमेल कैन पैरामेडिक शुड बी प्रेफरेंस, फीमेल को प्रेफर किया जा रहा है। और ड्राइवर कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 एक्स सर्विसमैन विथ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस विथ 10 years एक्सपीरियंस। और नोट वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस। तो ये चेंजेबल हो सकता है। एज देखिए क्या, फॉर फ्रेश यानी फ्रेशर के लिए एज ऑन 1 July 2022 बिलो 40 years। और फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस देखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बिलो 57 years जो एक्सपीरियंस होल्डर है और उसको बिलो 57 के उसके के लिया जाएगा इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन लास्ट 10 years दैट इज फॉर टी जी टी
categories, the candidates should have worked as PGT-TGT for 5 years in the last 10 years. For ad hoc experience candidates के लिए below 57 years in the appropriate category in the last 10 years, that is for PGT category, the candidate should have work as PGT, TGT or 2 years in the last 10 years. तो ये सब चीज़ें पे अलाउंसेज एज पर आर्मी पब्लिक स्कूल के नॉर्म्स के मुताबिक दिया है. एंटर क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली शुड बी इन इंग्लिश एंड मीडियम एक्सेप्ट फॉर इन दिस टीचर्स. कैंडिडेट ऑलरेडी होल्डिंग CBSE स्कोर कार्ड एंड हु हैव रिसेंटली पास CBSE रिटर्न एग्जाम विथ 50% मार्क ओनली. तो ये देखिएगा CBSE का होना चाहिए, जो रिसेंटली जो हुआ 50% मार्क होना चाहिए यूनिक के लिए खाली. आर एलिजिबल फॉर अप्लाई एक्सेप्ट PGT या रेड हॉक, और एक्सेप्ट जो PGT और एड हॉक आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अला नहीं चाहिए. सीटेट और TET मैंडेटरी फॉर सीटेट एंड TET फॉर मैंडेटरी फॉर PRT एंड TGT एज पर द CBSE बाय लॉस. अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑन स्कूल वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिएगा. हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड अलॉन्ग विथ ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस CBSE स्कोर का CTT टेट रिजल्ट सीट बी सबमिशन इन द स्कूल बिफोर 4 जून. देखिएगा बिफोर 4 जून 2000 देखिएगा 12 बजे से पहले बाय हार्ट और पोस्ट बाय हार्ट कॉपी. बात देखिएगा ये ऑनलाइन भी भरना पड़ रहा है, प्लस ये आप लोगों को ये पोस्ट के दो साइड से ऑनलाइन एक बार और इसके साथ हार्ड कॉपी में चाहे बाय पोस्ट बाय चाहे बाय हैंड ये करना काम देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा. नो फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड भाया देखिएगा नो फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड भाया ईमेल. ईमेल ID से नहीं दिया जाएगा, बाय हैंड बाय पोस्ट और ऑनलाइन ये दो. और XRPN शुड बी सबमिट फोटो कॉपी और डिस्चार्ज बुक और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड. ये जो बाकी टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया गया ये टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक देखिए. लैंग्वेज टेस्ट और सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी कैंडिडेट्स एंड स्क्रीनिंग टेस्ट इन PGT एडॉक PRT एडॉक ऑल सब्जेक्ट आर आर्ट क्राफ्ट कंप्यूटर साइंस एंड द कन्फर्म्ड डेट काइंडली विजिट स्कूल वेबसाइट, ये उसी में दिया जाएगा. तो इसी हिसाब से तो नोट फॉर द डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन वैकेंसी शेड्यूल इंटरव्यू प्लेस और लॉग ऑन वेबसाइट इसी के आप लोगों को मिल जाएगा. तो इतना ही था नोटिफिकेशन का, मैं डिटेल में बताया. ये नोटिफिकेशन कहाँ से, आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ. देखिएगा ये आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट ये उत्तर प्रदेश है. रिक्वायरीज टीचर्स एंड एडम स्टाफ ऑन एडॉक एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. रिपीट कर रहा हूँ, ये एडॉक एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है. तो अगर जो भाई लोग इंटरेस्ट है इसमें इधर मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें फीस होता है 100 रुपये का फीस भरना पड़ता है. देखते हैं. देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने से न्यू ऑब्लिक एडिट रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन फीस. तो मतलब इसमें फीस वगैरह है 100 रुपया फीस वगैरह आर्मी पब्लिक स्कूल में लिया जाता है. तो इतना ही है इंफॉर्मेशन. तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो. ये आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ उत्तर प्रदेश से इसका नोटिफिकेशन मिला. तो उम्मीद जो दोस्त लोग ये ऐसी टाइप के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो उनके काम पे आ जाए. जो दोस्तों अपना शेयर करते रहेगा दोस्तों के बीच में, रिलेटिव के बीच में, जिसका एलिजिबल एंड एप्लीकेबल फॉर टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं तो उन काम पे आ जाए. और
जब एक लाइक एंड कमेंट छोड़िएगा, जो कि हमारा इनकरेज करते रहेगा। जय हिंद भारत माता की जय।